ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को हुए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने दमदार बॉलिंग की। कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। कंगारू टीम ने शुरुआत में तो जमकर रन बनाए, लेकिन बाद में टीम इंडिया के बॉलर्स ने ऐसा कमाल किया कि मेहमान टीम पानी मांगती दिखी। ऑस्ट्रेलियाई टीम मुंबई में पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 20 ओवर में ही 130 के करीब रन बना लिए थे। मिशेल मार्श तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 या उससे भी अधिक रन बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी कंगारू टीम बैकफुट पर जाती दिखी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पांचवां झटका 169 के स्कोर पर लगा था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 188 पर ही पूरी टीम आउट हो गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 35.4 ओवर में 188 रन पर ऑल आउट कर इस प्रारूप में उसे सबसे कम गेंदों पर ऑल आउट करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने 2001 में इंदौर वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 35.5 ओवर में 181 रन पर ऑल आउट किया था। वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है, जिसने 2016 में ऑस्ट्रेलिया को वनडे में 24.2 ओवर में ऑल आउट किया था। सो या दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।